और आने मजीद की कसम के मोहम्मद सल वसलम पैगम्बर खुदा है लेकिन उन लोगों ने ताजुब किया कि उन्हीं में से एक हिदायत करने वाला उनके पास आया तो काफिर कहने लगे कि यह बात तो बड़ी अजीब है बात जब हम मर गए और मट्टी हो गए तो फिर जिंदा होंगे यह जिंदा होना अक्ल से बाईद है जिस्मों को जमीन जितना खा खा कर कम करती जाती है हमको मालूम है और हमारे पास तहरीरी याददाश्त भी है कि अजीब बात यह है कि जब उनके पास दीन हक आ पहुंचा तो उन्होंने उसको झूठ समझा सो यह एक उलझी हुई बात में पड़ रहे हैं या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको क्यों कर बनाया और क्यों कर सजाया और उसमें कहीं शिगाफ तक नहीं जमीन को देखो इसे हमने फैलाया और इसमें पहाड़ रख दिए और इसमें हर तरह की खुशनुमा चीजें उगाई ताकि रुझू लाने वाले बंदे हिदायत और नसीहत हासिल करें आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और उससे बागोबुस्तान उगाए और खेती का अनाज और लंबी लंबी खजूरें जिनका गाभा तय बत होता है सब कुछ बंदों को रोजी देने के लिए किया है और उस पानी से हमने शहर मुर्दा यानी जमीन को जिंदा किया बस इसी तरह कयामत के रोज निकल पड़ना है उनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद झुटला चुके हैं और आद और फिराउन और लूत के भाई और बन के रहने वाले और तुब्बा की कौम गरज उन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो हमारी वईद भी पूरी होकर रही तो हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं नहीं बल्कि ये अज्सर नाव पैदा करने में शक में पड़े हुए हैं और हम ही ने इंसान को पैदा किया है और जो ख्याल उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं और हम उसकी रगे जान से भी उससे ज्यादा करीब हैं जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठते हैं लिख लेते हैं कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई अ इंसान यही वो हालत है जिससे तू भागता था और का जाएगा यही अजाब की वईद का दिन है हर शख्स हमारे सामने आएगा एक फरिश्ता उसके साथ चलाने वाला होगा और एक उसके अमलों की गवाही देने वाला यह वो दिन है कि इससे तू गाफिल हो रहा था अब हमने तुझ पर से पर्दा उठा दिया तो आज तेरी निगाह तेज है और उसका हम नशीन फरिश्ता कहेगा कि यह आमाल नामा मेरे पास हाजिर है तुम तो होगा कि हर सरकश ना शुक्रे को दोजक में डाल दो जो माल में बुखल करने वाला हद से बढ़ने वाला शुभह निकालने वाला था जो खुदा के साथ और मबूद मुकर कर रखे थे तो उसको सख्त अजाब में डाल दो उसका साथ ही शैतान कहेगा कि ऐ हमारे परवरदिगार मैंने इसको गुमराह नहीं किया था बल्कि ये आप ही रस्ते से दूर भटका हुआ था खुदा कहेगा कि हमारे हजूर में रद्द वकद न करो हम तुम्हारे पास पहले ही अजाब की वईद भेज चुके थे हमारे यहां बात बदला नहीं करती और हम बंदों पर जुल्म नहीं किया करते तो दिन हम दोजख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई वो कहेगी कि कुछ और भी है अहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी होगी वो चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था यानी हर लाने वाले हिफाजत करने वाले से। तो खुदा से बिन देखे डरता रहा और लाने वाला दिल कर आया। इसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ ये हमेशा रहने का दिन है वहां वो जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर है और हमारे यहां और भी बहुत कुछ है और ने उनसे पहले कई उम्मतें हलाकर डाली वो उनसे कुत में कहीं बढ़कर थे वो शहरों में गश्त करने लगे क्या कहीं भागने की जगह है जो शख्स दिल आगाह रखता है या दिल से मुतवजह होकर सुनता है उसके लिए इसमें नसीहत है हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकत उनमें है सबको छह दिन में बना दिया और हमको जरा भी तकान नहीं हुआ तो कुछ ये कुफार बकते हैं उस पर सब्र करो और आफ्ताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बी करते रहो और रात के बाद अवकात में भी और नमाज के बाद भी उसके नाम की तनजीह किया करो सुनो जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा जिस दिन लोग चीख यकीनन सुन लेंगे वही निकल पड़ने का दिन है हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना है उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे ये जमा करना हमें आसान है लोग जो, जो कुछ कहते हैं हमें खूब मालूम है और तुम उन पर जबरदस्ती करने वाले नहीं हो बस जो हमारे अजाब की वईद से डरे उसको कुरान से नसीहत करते रहो